एक मौका यहां पर खतरा बन सकता है। देखिए जगह बनाया जा रहा है, पेनाल्टी स्टॉप का इशारा दिव्या डुगू ने यहां पर। पेनाल्टी स्टॉप दे दिया है तमिलनाडु के विरुद्ध। और वैसे ही यहां पर तमिलनाडु की टीम 3 गोल से पिछड़ रही है। एक और मुसीबत आती हुई और ये पेनाल्टी कॉर्नर गया बेकार, पेनाल्टी स्ट्रोक बेकार गया। और ये दूसरा मौका है कि पेनाल्टी स्ट्रोक प्रतियोगिता में गोलकीपर ने बचाया। गोलकीपर ने अच्छा बचाव किया, तमिलनाडु के गोलकीपर धर्शामनी डी ने अच्छा बचाव किया। थारसिनी डी की जितनी भी तारीफ की जाए कम, सीधा गोलकीपर के पास पेनाल्टी स्टॉक मार गई। और अशीमा राउत का ये प्रयास गया बेकार। बहुत कम ही ऐसा मौका मिलता है कि पेनाल्टी स्टॉक बेकार जाता है। धीरे-धीरे बॉल को निकालने की कोशिश, गेंद ले बाहर। अच्छा पास, इंटरसेप्ट उड़ीसा के खिलाड़ी के, डी के अंदर फिर प्रवेश। फ्रीट मिलता हुआ अपने क्षेत्र से, सुमी मंडवारी के पास बॉल, पीछे से आया गेंद एक बार फिर सुमी मंडवारी के पास। उड़ीसा दाएं फ्रेंड से फिर हमला पनपता हुआ, उड़ीसा का फ्रीट। कली को डिप करते हुए डी के अंदर पहुंचने की कोशिश, लेकिन डी में खिलाड़ियों का जमघट हो जाता है तमिलनाडु के खिलाड़ियों का। यही कारण है कि उड़ीसा के खिलाड़ी हिट नहीं ले पाते। पास, देखिए वहां बॉल को मार्क करके रखा, गिर गई बाहर। उड़ीसा के एडगार जोसेफ, बाएं तरफ लंबा पास, लंबा हिट, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। तो स्थिति अभी भी शून्य के मुकाबले 3 गोलों से आगे चल रही है। उड़ीसा की टीम तीसरा क्वार्टर का खेल चल रहा है, 7 मिनट 15 सेकंड का समय शेष है, बचा हुआ है। तमिलनाडु को अपनी खेल की नियति को बदलना पड़ेगा, रणनीति को चेंज करना पड़ेगा, बदलाव की जरूरत है। आक्रमण की धार को तेज करना पड़ेगा या पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा। उड़ीसा की टीम फिर पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई, खतरे का बादल मंडराता हुआ तमिलनाडु के ऊपर। इंजेक्ट किया गया, फिर से पहले खिलाड़ी आगे बढ़ गए थे। फलता पेनल्टी कॉर्नर को फिर इंजेक्ट करने का इशारा खेल के निर्णायक दिव्या डुंडुन का। इंजेक्ट किया गया, रोका गया, ब्लॉकिंग है बहुत मजबूत करके रखा है तमिलनाडु की टीम ने।
छह पंक्ति का खिलाड़ी बहुत ही मजबूत हैं तमिलनाडु के। यही वजह है कि उड़ीसा आज इतना स्कोर नहीं कर पाई अभी तक, तीसरा क्वार्टर का खेल जबकि चल रहा है। इसका अपेक्षाकृत इससे पहले जो खेल हुआ झारखंड का मुकाबला जो चल रहा था राजस्थान से, उसमें झारखंड की टीम ने 9 गोल स्कोर किया। तमिलनाडु की टीम यहां पर रक्षा में बहुत एक्सपर्ट नजर आ रही है। ब्लॉकिंग का जहां तक सवाल है, पेट्रोलिंग का जहां तक सवाल है, जबरदस्त पेट्रोलिंग की जा रही है उड़ीसा के ऑफेंस के खिलाड़ी के ऊपर, अटैकर के ऊपर बिल्कुल मैन टू मैन मार्क करके रखा है तमिलनाडु की टीम ने। पास पास पेनाल्टी कॉर्नर फिर अर्जित करती हुई उड़ीसा की टीम, लेकिन पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में नहीं तब्दील करने में इतनी सफल नहीं नजर आ रही है उड़ीसा की टीम। किया गया बहुत इंजेक्ट करने में उतनी अच्छी, दो बार इंजेक्ट जो किया गया काफी ढीला इंजेक्ट हुआ उड़ीसा की तरफ से, पीछे सरका दिया गया। बपास एक बार फिर यहां पर तमिलनाडु के ऊपर हमला परवता हुआ, एक मौका है यहां पर, गोलकीपर का अच्छा बचाव, गोलकीपर ने आज अच्छा बचाव किया है तमिलनाडु की तरफ से। एक मौका यहां पर है, फिर देखिए तलाश रही है उड़ीसा की टीम, मार्किंग का जहां तक सवाल है, पेट्रोलिंग का जहां तक सवाल है, पूरा ब्लॉकिंग करके रखा हुआ है तमिलनाडु के खिलाड़ी सब, उड़ीसा के खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि स्कोरिंग का ग्राफ अभी भी तीर के ऊपर लटका हुआ, और ग्रीन कार्ड उड़ीसा के खिलाड़ी को मैदान से बाहर जाना पड़ेगा। और इस वक्त ममिता उराम मैदान से बाहर गई उड़ीसा के दाएं तरफ से, पास आज का पास सुप्रिया खुजूर के लिए, 10 खिलाड़ी से खेल रही है इस वक्त उड़ीसा की टीम। अच्छा पास बाएं फ्लैंक में, अच्छा पास बढ़ाया गया है प्रतिभा किंडू के लिए, मौका है यहां पर उड़ीसा के लिए, गोलकीपर ने बचाव किया। आज गोलकीपर का खेल सराहनीय खेल है तमिलनाडु के गोलकीपर का। अंजलि बारवा के पास बॉल, डायगनल पास अंजलि बारवा के पास बॉल, इस वक्त उड़ीसा के खिलाड़ी, लंबा पास डी के ऊपर प्रवेश, गैप बनाने की तैयारी, मौका की तलाश, लेकिन जैसे मैं बता रहा था बहुत अच्छा ब्लॉकिंग करके रखा है एक, अभी यहां मौके को तलाश रही है उड़ीसा की टीम। डी के ऊपर विफल हो जाती है, सफलता नहीं मिल पाती है उड़ीसा के खिलाड़ियों का, कोई मौका नहीं मिल रहा है हिट करने का। यह है एडगार जोसेफ कोच उड़ीसा,
कम स्कोरिंग की तुलना करें झारखंड से, तो झारखंड का जो मुकाबला हुआ राजस्थान से उसमें झारखंड की टीम ने एक ऊंचा स्कोर खड़ा किया 9 गोल का, लेकिन आज अपेक्षाकृत उड़ीसा की टीम वैसा स्कोर नहीं खड़ा कर पा रही है। तीसरा क्वार्टर का खेल समाप्त होने को है, एक बार फिर अग्रसर होती उड़ीसा की टीम। अच्छा पास, लंबी हिट, एक मौका यहां पर उड़ीसा के लिए। और यहां पर एक नई जिंदगी मिलती हुई तमिलनाडु को। हिट, अच्छा पास, सुमन हेमरम के लिए बॉल, डायगोनल पास ममिता उराम के लिए। ये हैं तमिलनाडु के टीम मैनेजर श्रीनिशा भी थी जो दिशा निर्देश दे रही थी, काफी चिंतित नजर आ रही थी। लंबा पास, गेंद, पास लगी हुई है यहां पर उड़ीसा के खिलाड़ी प्रियंका कुजूर लगी हुई थी। देखिए यहां पर तीसरा क्वार्टर का समय खत्म हुआ और अभी तक बाजी मारी है उड़ीसा की टीम ने, लेकिन स्कोरिंग का ग्राफ नहीं बढ़ा पा रही है। तमिलनाडु का भरपूर मुकाबला हो रहा है उड़ीसा से। चौथे क्वार्टर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए